दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक और कंपनी अपने एक बिजनेस को क्या करने जा रही है, अपने से अलग करने जा रही है, मतलब डीमर्ज करने जा रही है, ठीक है। जिसके चलते आज स्टॉक में क्या हुआ, 5% का अपर सर्किट लग गया। मतलब दोस्तों, कंपनी उस बिजनेस को ही अपने से अलग करती है जो दोस्तों उसको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके देता है, या बोल दीजिए कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसको वो सोचती है कि अलग निकाल दें और उससे क्या हो, वो अच्छा खासा पैसा कमा सके, ठीक है। वो कंफर्टेबल जोन में मार्केट में काम करें, ठीक है। और अगर मान लीजिए ख़राब है तो वो ख़राब भी प्रदर्शन करते रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े और यहाँ पर जो स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस मार्केट में अच्छा रहे। सेम कंडीशन आपने देखी होगी ITC। अब ITC चाहता है कि मैं खाली FMCG के साथ रहूं, ठीक है, क्योंकि FMCG का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और जितने भी उसके अदर जो बिजनेस है वो दूसरी जगह एक हो जाए, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक तो उसका कुछ प्रोसेस नहीं आया। खैर, हम ITC की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कंपनी का कैसा कैसा अपडेट आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ अपडेट करूंगा आपको, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। चलिए स्टॉक का पहले आज परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना ज़ोरदार स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा कि 5% का स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और 4827 रुपये के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। न्यूज़ आ चुका था, अप्रूवल मिल चुका था बोर्ड की तरफ से डीमर्जर का, तो ओपन ही दोस्तों वो एक ही प्राइस पे हुआ और दिन भर उसी प्राइस पे वो क्लोज हुआ। लास्ट 5 दिन में आप देख सकते हो स्टॉक में 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट 1 महीने में देखेंगे, ठीक है, तो इस ऊंचाई लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो इस ऊंचाई लेवल को यहाँ पर तो 18-19% का रिटर्न, फिर गिरावट आई और फिर वहीं पर रिकवरी। 6 महीने की अगर मैं बात करता हूँ 29-30% का रिटर्न है। लास्ट 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो स्टॉक ने 181% का परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो लगभग 2000 के करीब का रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 साल में। और ओवरऑल के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो कंपनी मार्केट में काफ़ी पुरानी है, ठीक है। आते से ही इसने 2000 रुपये का लेवल टेस्ट कर लिया था, ठीक है, फिर वो पूरी नीचे आ चुकी थी, कुछ नहीं इसका वैल्यूएशन बचा था, आप देख सकते हो कोई फोकस नहीं। लेकिन एक बार फिर से ये फोकस में आने लगी है क्योंकि इतना जोरदार रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दे दिया है और साथ में ये डीमर्जर का न्यूज़ आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद ही पहले इस स्टॉक को कभी देखा होगा या नहीं भी देखा है तो आज देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, हम बात करें सारेगामा इंडिया लिमिटेड की। सारेगामा इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक म्यूज़िक कंपोनेंट कंपनी है, ठीक है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करती है। इसका दोस्तों ज़्यादातर जो काम है वो लाइसेंस प्रोवाइड करने का है, ठीक है। इसके पास दोस्तों काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लगभग 1 लाख के ऊपर गाने का कलेक्शन है, नए पुराने सबका, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां दोस्तों क्या करती है जो इसके नीचे काम करती है, आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन म्यूज़िक हो गया, ठीक है, उसके साथ एप्पल म्यूज़िक हो गया और बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक है, हंगामा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सावन है, बहुत सारे ऐसे दोस्तों म्यूज़िक कंपोनेंट है। लेकिन दोस्तों इसके नीचे ही वो काम करते हैं, इससे ही वो लाइसेंस लेते हैं, इससे ही वो गाने लेते हैं और ये कंपनी दोस्तों गाने बनाती भी है, ठीक है। और टी सीरीज़ भी इसी इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन टी सीरीज़ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सारेगामा इंडिया अब दोस्तों बहुत बड़ा ब्रांड है और मार्केट में काफ़ी पुराना है, ठीक है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की भी तो उसमें बहुत पुराना देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसका कुछ जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर लाया हूँ, मल्टीवेगर स्टॉक डीमर्ज के ऐलान के बाद इस स्टॉक ने हिट किया अपर सर्किट, अब क्या हो निवेशक की रणनीति। अपडेशन देखिए कब का है, आज का ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे देखते हैं, अब नीचे देखिए सारेगामा इंडिया के शेयर में BSE पर आज के कारोबार सत्र में 2828 रुपये का 5% का अपर सर्किट लगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार का डीमर्ज करने जा रहा है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिज़नेस है दोस्तों वो हम आपको आगे बताने वाले, वो किस प्रकार का बिज़नेस है, ठीक है, उससे कितना क्या रेवेन्यू कंपनी को आता है। और इस खबर के बाद इस शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला। इस डीमर्जर के तहत कंपनी के सभी फिजिकल प्रोडक्ट जिसमें कार्बन आन डिजिटल मार्केट प्लेक्स के साथ कंपनी ने नॉन कोर असेट शामिल है जो डीमर्ज किया जाएगा। अब देखिए कंपनी का जो बिज़नेस अलग हो रहा है, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट जिसमें कार्बन आन
डिजिटल मार्केट प्लेक्स, ये मतलब कंपनी इस प्रोडक्ट में काम करती है, ठीक है। उसके साथ ही अगर देखें तो इस डीमर्जर में किसी भी तरह का केस लेनदेन नहीं होगा, केस लेनदेन नहीं होगा, और डीमर्जर योजना के तहत सारेगामा के वर्तमान शेयरधारकों को उनके एक प्रति शेयर पर, अगर आप देखेंगे एक शेयर पर डीमर्जर के बाद आने वाली कंपनी, ठीक है, एक प्रति शेयर के बाद डीमर्जर के बाद जो दोस्तों डिज ड्राइविंग डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के 10 रुपये की फेस वैल्यू, इस कंपनी जो ये कंपनी आएगी अगर मार्केट में तो इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू रहेगी, जिसके दोस्तों आपको कितने 2 शेयर मिलेंगे, 2 पूर्ण चुकता शेयर मिलेंगे, ठीक है। सारेगामा का अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, तो उसके बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे किसके, डिज ड्राइविंग ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी के, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। नीचे देखते हैं और क्या डिटेल्स है, ठीक है। ICICI सिक्योरिटी ने इस डीमर्ज योजना पर कहा है कि इस डीमर्ज योजना में कंपनी के सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन शाखा को अलग किया जा रहा है, ठीक है, जो कार्बन में काम करता है, ठीक है, पहले ही इस तरह सारेगामा के पास ही रहेगा ये पूरा, मतलब 100% ही उसका स्टेक होल्डर रहेगा, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू उसके अंदर नहीं जुड़ेगा। जहाँ तक हमें समझ में आता है, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन शाखा कार्बन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने का नॉन एग्जीक्यूशन आधार रखती है, जो कि पहले से कई तरह चालू रहेगा, ठीक है, मतलब बिजनेस पूरी तरीके से वैसा ही रहेगा, ठीक है। जो कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा वो भी सारेगामा के हाथ में रहेगा, ठीक है, बस कंपनी 2 पार्ट में अलग हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोस्तों जो पेरेंट्स कंपनी है वो सारेगामा रहेगी, और नीचे दोस्तों कौन काम करेगा आप देख सकते हो, जो नीचे कार्बन इंडस्ट्री में काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन शाखा, ठीक है, वो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर काम करेगी। जैसे दोस्तों टाटा सन्स, ठीक है, अब टाटा सन्स पेरेंट्स कंपनी है, ठीक है, और नीचे कितनी सारी कंपनियाँ काम करती है, ठीक है, लेकिन टाटा सन्स में इनका रेवेन्यू नहीं जुड़ता है, सबका अपना पर्सनल रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही दोस्तों ये कंपनियों का भी फंडा रहने वाला है। और भी नीचे देखते हैं क्या अपडेट है, बता दें कि पिछले 5 साल के दौरान सारेगामा के शेयर ने, ये तो रिटर्न का बता रहे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ICICI सिक्योरिटी ने इस स्टॉक में अपनी होल्ड की रेटिंग बनाए रखते हुए इसके लिए 4890 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो तो दोस्तों आज ही हासिल होते देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। और देखते हैं फंडामेंटल कंडीशन सारेगामा पा की क्या देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो ओल्डेस्ट म्यूजिक लिप्स कंपनी मानी जाती है, ठीक है, इंडिया की, जो करीबन दोस्तों काफ़ी पुरानी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी जो सारेगामा है, ठीक है, वो दोस्तों अगेन गोइंग टू द लॉन्च टू यूनिक, मतलब कंपनी दोस्तों और जो नया बिजनेस इन्होंने 2017 में शायद ये लॉन्च किया था कार्बन वाला, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो म्यूज़िक लाइसेंसिंग, यहाँ तक कंपनी की 46% सेल्स होती है कार्बन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बात हो रही हो, जो बिज़नेस अलग हो रहा है वहाँ से 40% की सेल्स होती है, अच्छा खासा बिज़नेस चलता है, मतलब 86% दोस्तों सेल तो इन दोनों बिजनेस से ही हो जाती है। फिर फाइलिंग एंड टीवी सेगमेंट से 13% की होती है, ठीक है, और एक दोस्तों कोई प्रोडक्शन करके नाम इनका बिज़नेस एक और है जहाँ पर 1% का रेवेन्यू इनको आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 86% ये, ठीक है, और 14% का बिज़नेस ये, तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा कार्बन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है इनको, तो भी कंपनी दोस्तों क्या कर रही है, इस बिज़नेस को अपने से अलग कर रही है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको दोनों ही सेगमेंट पे लिस्टेड मिलेगी। साथ में देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 9,316 करोड़ का, पी अर्निंग रेशियो भी बहुत अच्छा है 65.9 का, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, साथ में अगर आप देखेंगे फेस वैल्यू ये 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से किसकी, सारेगामा की, ये टूट के दोस्तों एक होने वाली, क्योंकि कंपनी की तरफ से स्प्लिट का अनाउंसमेंट आ चुका है, ठीक है, 1 शेयर पे 10 शेयर का स्प्लिट होगा, क्यों, क्योंकि जो फेस है, फेस वैल्यू जो है वो अभी तो 10 की है, ठीक है, 1 शेयर की, अब ये टूट के दोस्तों कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो देख सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है, ठीक है, कंपनी का जो डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 साल का वो भी बहुत अच्छा है, और लास्ट क्वार्टर में जो प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को कम किया था वो एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है,
और साथ में क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो सारेगामा का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 150 करोड़ की सेल्स की थी, 54 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम था, जो नेट प्रॉफिट था वो 43 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। तो मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा EPS भी देखने को मिल रहा है सिंगल क्वार्टर्स का। पूरे साल भर का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हो कि मार्च 21 वाले में तो दोस्तों पूरी आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉक्स ऑफिस, या आप बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या था दोस्तों, बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण दोस्तों कंपनी को काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था और पहले कुछ बुकिंग हो गई थी, पहले कुछ खाने बन चुके थे, जिसके कारण कंपनी का इतना सेल्स हुआ था। फिर भी कंपनी ने वहाँ पर जोरदार रेवेन्यू निकाला था, ठीक है। आप देख सकते हो कितना शानदार रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, सेल्स कम हुई थी फिर भी, और नेट EPS भी आप देख सकते हो, परसेंटेज वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 साल पहले 12% था, 3 साल पहले 7% और अभी करेंट में 23% है। सबसे बड़ी बात यह है प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई, क्योंकि 5 साल पहले 60 था, 3 साल पहले 58 और अब 55% है। स्टॉक का रिटर्न हम तो देख ही सकते हैं, 1 साल में 128% है, जो मैंने आपको दिखा के लाया हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर आपके साथ दिखेगा प्रमोटर्स अच्छा खासा स्टेक है, ठीक है। FII का भी अच्छा स्टेक है, DII का भी स्टेक है और पब्लिक के पास भी स्टेक है। तो कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन भी बहुत जोरदार है, ठीक है। और सारेगामा ने तो दोस्तों वैसे भी पहले से अपना स्प्लिट का अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है, अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अभी तो रिकॉर्ड डेट वैसे नहीं आई है, आप खुद भी देख सकते हो NSE के साइट पे जाके आपको दिख जाएगा कि सारेगामा ने जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट शो किया था उसके साथ ही क्या किया था, स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं शो की है, जैसे ही रिकॉर्ड डेट आती है और भी कुछ न्यूज़ आती है तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो कार्बन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस है वो क्या होने वाला है, अलग होने वाला है, ठीक है। और जिसके बदले में आपको 2 शेयर मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड का 1 शेयर होगा तो, ठीक है। तो 1 शेयर पे उस कंपनी के 2 शेयर मिलेंगे जिसकी फेस वैल्यू रहेगी 10, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।